तो उसका जो है ना एडवांटेज ये लिया कि इसका और क्या क्या यूजेज हो सकते हैं। इसके पत्तों से बेहतरीन कहवा और बेहतरीन जो है ना वो चाय बनती है, वो हमारे ऑफिस में अब हम ज़्यादातर ये बना के खुद भी पीते हैं और लोगों को टेस्ट भी करवाते हैं। जी नाजीर, ये भी बड़ी अच्छी बात है। तो हमारे मैदानी इलाकों में जहाँ पे फल ना आए या कुछ पॉकेट्स में जहाँ पे फल ना आए, इसका दरख्त बड़ा दरख्त है, एवरग्रीन है, सारा साल एनवायरनमेंट के हवाले से बेहतरीन है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, हमारा जो क्लाइमेट चेंज का इशू है उसको ये एड्रेस कर रहा है। और दूसरा इसमें ये इसका जो है ना कोई भी बंदा इससे ये नहीं होगा कि मेरे पास एक दरख्त है तो मुझे इनकम नहीं आ रही, वो चाय का अल्टरनेट के तौर पे ये फ्यूचर में ये पोटेंशियल है। जी देखिए नाजिर, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी फरमाया कि इसका जो कहवा है वो भी बहुत ही न्यूट्रिशनल है। अभी हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर सबीना अलीम साहब ने, मैं उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं और उनसे पूछते हैं कि इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है और इसको हम किस किस बीमारी में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कावे की न्यूट्रिशन वैल्यू उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आइए उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। ये तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सबीना अलीम साहिबा जो कि पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और आज हम एवोकाडो के ऊपर पाकिस्तान में बात करने जा रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि हम अपने ऑडियंस को बताएं कि इसकी क्या इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू है और किन किन बीमारियों में आप इसको इस्तेमाल कराती हैं। तो सबसे तो पहले हमें यह बताएँ कि एवोकाडो का तारफ़ आपके साथ कैसा हुआ और कब हुआ कैसे हुआ। खैर एवोकाडो के बारे में, क्योंकि मैं बचपन से बहुत ज़्यादा शौकीन थी इन चीज़ों की, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना और न्यूट्रिशन की बुक्स को, मेनली मेरे फादर जो थे वो बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस थे और फिर जब मैं डिफरेंट चीज़ों को मेडिकल के थ्रू स्टडीज़ के दरमियान भी मैं काफ़ी ज़्यादा वॉज इंटरेस्टेड इन न्यूट्रिशन, सो मेरा बड़ा अच्छा एक उसमें साथ एक अच्छी फ्रेंडशिप थी। अपार्ट फ्रॉम डैट, इसके पत्तों को अगर सुखा लिया जाए, उनका कहवा आपकी हेल्थ के लिए, क्योंकि उसके अंदर जिंक, मैग्नीशियम, फोलेट, ये सब चीज़ें उसकी वजह से आपकी ब्रेन हेल्थ बहुत अच्छी होती है, आपकी ओवरऑल हेल्थ बहुत बूस्ट करती है, इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी में कम होती है, डिजीज को फाइट करता है, बहुत अमेजिंग फूड। अमेजिंग डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ी अच्छी मालूमात दी हैं। देखिए नाज़रीन, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि जो फ्रूट है ये खाने में इसके डिफरेंट हम अपने फूड के तौर पर ले सकते हैं, इसको सैलड में डाल सकते हैं, इसका जैसे इन्होंने कहा कि इसका ऑयल यूज़ हो सकता है और इसके साथ जैसे इन्होंने कहा इसके पत्तों का कहवा भी, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया चूँकि इनके अपने पेशेंट को दिया है, इन्होंने इसके ऊपर बड़े रिजल्ट लिए हैं, तो मेरा ख्याल है कि एवोकाडो का पाकिस्तान में जो पोटेंशियल है इसको हाई वैल्यू क्रॉस के साथ साथ इसकी न्यूट्रिशन की हाई होना भी इसके साथ है। एवोकाडो लीफ टी, द टी इज फैंटास्टिक।